हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में संतुलन कीमत, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी लगातार पूछ देता है, प्रत्येक साल पूछ देता है। तो संतुलन शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन का नहीं होना, परिवर्तन का नहीं पाया जाना, परिवर्तन की अनुपस्थिति होना। यानी जब परिवर्तन नहीं होगा तब होगा संतुलन की स्थिति। तो कहता है कि संतुलन कीमत एक ऐसे अवस्था को प्रकट करता है, बताता है, जिसमें कीमत को निर्धारित करने वाली जो शक्ति है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए या चेंज नहीं होता। तो कीमत को कौन कौन निर्धारित करता है, पहले एक बात समझना होगा। तो दो ही बात है, एक डिमांड और एक सप्लाई, मांग और पूर्ति। जब आप दुकान जाते हैं 10 रुपया पैसा लेकर के 1 किलो आलू लेने के लिए, तो यदि दुकानदार बोल देता है कि 11 रुपया लगेगा, यानी अब 10 रुपया में खरीदने के लिए तैयार है और वो 11 रुपया बेचने के लिए तैयार है, तो वस्तु खरीदारी होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कीमत संतुलित नहीं है। आप 10 में है, वो 11 में है, फिर लड़ते झगड़ते एक कीमत 10 आया, अब 10 में लेने के लिए तैयार और वो 11 में 10 में बेचने के लिए तैयार, तो वो कहलाएगा संतुलन कीमत। यानी आप खरीदने के लिए तैयार हैं, मतलब वो डिमांड है, और वो विक्रेता बेचने के लिए तैयार है, मतलब वो सप्लाई करने के लिए तैयार है, और अब डिमांड करने के लिए तैयार है। दोनों का जहां मिलन होगा वही संतुलन कीमत का निर्धारण होगा। यानी संतुलन कीमत वह कीमत है जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। वस्तु का खरीदने वाला क्रेता और विक्रेता दोनों का बात एक समान होता है, वही संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। यानी संतुलन कीमत की अवस्था में क्रेता खरीदने के लिए तैयार और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है। संतुलन कीमत की अवस्था में क्रेता की खरीदारी और विक्रेता की बिक्री दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। यानी संतुलन कीमत का निर्धारण उस पॉइंट पे होता है, उस बिंदु पे होता है जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। जिसको मार्शल ने स्पष्ट किया है, मार्शल दिया है संतुलन कीमत के बारे में बात। यानी पहले मांग वक्र और पूर्ति वक्र को बनाना होगा, ये एक्स है और ये वाई। देखिए मांग वक्र इस तरह का होता है, इसका नाम डी डी, और सप्लाई वक्र इस तरह का होता है जिसका नाम एस एस। कहां टच हुआ? यहां पर। तो यहां टच हुआ यहां पर, यानी डिमांड बराबर क्या हो गया? सप्लाई हो गया, डिमांड बराबर सप्लाई हो गया। तो यहां पर जो प्राइस आया, इधर प्राइस लिखते हैं, इधर प्राइस होता है, और इधर दो को चीज है, डिमांड एंड सप्लाई है। यानी डायरेक्ट बोलते से क्वांटिटी मतलब मात्रा, वस्तु की मात्रा, ठीक है, बेची गई खरीदी गई वस्तु की मात्रा, दोनों एक समान होगा, संतुलन में है। इधर पी, इधर क्यू, ये OP है संतुलन कीमत और ये OQ है संतुलन मात्रा। बराबर कहां हुआ? E पॉइंट पर, E मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां बराबर हुआ डिमांड और सप्लाई। यहां और यहां बराबर नहीं है, यहां पर सप्लाई अधिक है, सप्लाई अधिक है, सप्लाई अधिक, और यहां पर डिमांड अधिक है। यदि सप्लाई अधिक हो जाएगा तो वस्तु का दाम घट जाएगा, और डिमांड अधिक हो जाएगा तो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। एंड डिफरेंस हो रहा है, समान कहां हुआ? जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हुआ, कहां? इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, डिमांड बराबर सप्लाई, इसी का नाम है संतुलन कीमत। किसका? ओपी का। और ओपी का नाम क्या है? संतुलन मात्रा। यानी संतुलन कीमत वह कीमत है जहां पर वस्तु की मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को टच करता है। कैंची देखे हैं? कैंची का दोनों फलक, कैंची का दोनों फलक जहां टच करता है वहीं कोई कपड़ा कटता है, कोई धागा कटता है, कोई रस्सी कटता है,
और कोई चीज कटता है, कागज कटता है, कहाँ कटता है, जहां दोनों फलक टच करता है, यानी कैंची में जिस तरह से दोनों फलक के टच करने से कोई कपड़ा धागा कागज की कटाई होती है, उसी तरह से बाजार में किसी वस्तु का दाम उस बिंदु पर तय होता है जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, जहां पर खरीदने वाला और बेचने वाला का बात एक समान होता है, जहां पर खरीदारी और बिक्री एक समान होती है, जहां पर खरीदने के लिए बेचने के लिए दोनों तैयार होता है, यही संतुलन कीमत का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं आने वाले वीडियो में।